आकर्षक और सुंदर दिए कोई बाजार से नहीं खरीदे गए हैं, बल्कि इन्हें बनाया है एक आर्टिस्ट के द्वारा जो कि हमारे ही क्षेत्र में रहती है, और इन दियों को दीपावली के लिए घर घर में सजाने के लिए उनके पास इस तरह के दियों की बहुत सारी डिमांड आ रही है, और उनके द्वारा यहाँ पर बहुत तरह तरह के डिजाइन के दिए बनाए गए हैं। देखिए, आप देख सकते हैं ओम के दिए, अलग अलग पैटर्न के दिए बनाए गए हैं, और इन दियों के बारे में आइए जानते हैं स्वयं आर्टिस्ट से, जिनका नाम है पूजा खनवाल। पूजा, ये दिए जो आपने बनाए हैं, इनको लेकर आपको कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये हम मेरे को सभी लोगों ने बोला कि मेरे हमारे मंदिर के लिए ये इसमें पेंटिंग वो करे, एप्पल वगैरह बनाए। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताइए, इन दियों में जो है आप किस तरह से बनाती हैं? मैं इसमें पहले रेड पेंट लगाती हूँ, उसके बाद व्हाइट से डिजाइन बनाती हूँ। अच्छा, तो ये जो ट्रेडिशनल आर्ट को भी आपने मॉडर्न लुक देने का प्रयास किया है, तो ये क्या पेंटिंग आपने कहीं सीखी है या क्या करती हूँ? नहीं, ये मैं अपने उससे ही करती हूँ। अच्छा, ये आपकी स्वयं की सोच है? हाँ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जैसा कि इस आर्टिस्ट के द्वारा अपनी सोच को कला का रूप देते हुए अलग अलग पैटर्न में यहाँ पर बनाने का प्रयास किया गया है। ये नक्काशीदार पेंटिंग जो है अपने आप में एक नया लुक, एक नया टेक्सचर देती है इस दिए को। सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर इस दिए में तेल पड़े और उसके बाद इसको जले, तो इसकी रोशनी तो अपने आप में जगमग करेगी ही, बल्कि यह दिया भी अपने आप में आकर्षक नजर आएगा। तो दोस्तों, इन चीजों को देख करके हम आपसे भी कहते हैं कि अगर आपको इन तरह के दियों की आवश्यकता हो, तो आप दीपावली से पहले इन दियों के लिए संपर्क कर सकते हैं हमारे इस दिए हुए नंबर पर, और जुड़ सकते हैं हमारे जैसे आर्टिस्ट के साथ। यदि आप स्वयं कोई आर्टिस्ट हैं और किसी उत्तराखंड की किसी कला विधा पर काम करना चाह रहे हैं या करते हैं, तो आप उसके लिए भी आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि गुमनाम कलाकारों की कड़ी में हम लोग अक्सर जो है किसी न किसी कलाकारों के साथ थे। आज हम पूजा खनवाल के साथ थे, कल आपके साथ होंगे। थैंक यू।